नमस्कार दोस्तों, आरकेएस क्रिएटिविटी में आप सभी का स्वागत है। तो यही है बिलासीपुरा छठ पूजा घाट के मेन गेट, और अभी हम आ चुके हैं छठ पूजा घाट में, जहाँ पे आए हैं बहुत सारे लोग पूजा देखने के लिए। और अभी शाम के समय के जो छठ पूजा होते हैं, अगले दिन वाला वो पूजा यहाँ पे हो रहे है। डूबते हुए सूरज को जो अर्घ्य प्रदान किया जाता है, वो पूजा अभी यहाँ पे चल रहा है। खत्म के और ही है वो पूजा, और अभी इन लोग जाने वाले हैं घर। आप लोग सिर्फ इस वीडियो में बने रहिए, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को बिलासीपारा के छठ पूजा। सूरज ढल के अभी हो चुका है रात, और अभी हम जा रहे हैं घर इस सुंदर लाइटिंग को देखते देखते। फिर से आएंगे दोबारा कल सुबह। कहते कहते सुबह हो ही गया यहाँ पे, और अभी हम फिर से जा रहे हैं छठ पूजा देखने के लिए। कुआशार चादर सरिए सूर्योदय, शरत सकालटा आजो मनोमय। ठीक वैसे ही सूर्य देवता का भी आगमन होने वाले है। अभी बस हमें करना पड़ेगा इंतज़ार। इस पूजा के लिए, आज के दिन के सूर्य देवता के लिए लोग इंतज़ार करते हैं करीब एक साल से। नमस्कार दोस्तों, आरकेएस क्रिएटिविटी में आप सभी का स्वागत है। तो आज है छठ पूजा, हैप्पी छठ पूजा टू ऑल ऑफ यू। और उसके साथ साथ अभी हम आए हैं बिलासीपुरा छठ पूजा घाट में। यहाँ पे सूर्य देवता का होने ही वाले हैं, और यहाँ पे इन लोग हैं तो हम अभी मजा लेने वाले हैं और देखने वाले क्या क्या होते हैं वो भी आप लोगों को दिखाएंगे सब कुछ। और यहाँ पे आने से पहले यहाँ पे सूर्य देवता का आगमन होने ही वाले हैं। देख सकते हो वहाँ पे पीछे एकदम पूरा पहाड़ के पीछे से रेड हो गया एकदम। तो और उसके साथ साथ यहाँ पे है हमारे सिंगर भाई आकाश भाई, हैप्पी छठ पूजा। हैप्पी छठ पूजा, ठीक है। और यहाँ पे बिजी है वीडियोग्राफी में, फोटोग्राफी में, ठीक है। देखते रहिए वीडियो को। आज के इस छठ पूजा के लिए बिलासीपारा के गौरांग नदी में सभी भक्त उतर चुके हैं अर्घ्य चढ़ाने के लिए। और अभी हम जान लेते हैं इस छठ पूजा के बारे में थोड़ा कुछ। छठ पर्व या छठ पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। सूर्य उपासना का ये
अनुपम लक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्व प्रदेश मतलब नॉर्थ ईस्ट और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहा जाता है ये पर्व मैथिल, मगध और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व है, ये उनकी संस्कृति है। छठ पर्व किस प्रकार मनाते हैं? ये पर्व 4 दिनों का है। भाई दूज के तीसरे दिन से ये आरंभ होता है। पहले दिन संथा नमक, घी से बना हुआ अरवा चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में ली जाती है। अगले दिन से उपवास आरंभ होता है। व्रती दिन भर अन्न जल त्याग कर शाम करीब 3 बजे से खीर बनाकर पूजा करने के उपरांत प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिसे खरना कहते हैं। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ यानी दूध अर्पण करते हैं और अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ चढ़ाते हैं। इस पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लहसुन प्याज वर्जित होता है। जिन घरों में ये पूजा होती है वहाँ भक्ति गीत गाए जाते हैं। अंत में लोगों को पूजा का प्रसाद दिया जाता है। और आप लोग बने रहिए इस वीडियो में, मैं भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ सब कुछ। थोड़ा सा बादल और हमारे बिलासीपारा के टोकरा बांधा पहाड़ के उस पार से सूर्य देवता का आगमन बस होने ही वाले है। भास्कर देवता के आगमन होने के साथ साथ बिलासीपारा के हर भक्त अर्घ चढ़ाकर आ रहे हैं नदी से। भाई मजा आया। तो देख सकते हैं ये छठ पूजा का महापर्व खत्म हो चुका है। अभी एक साल के पूरा एकदम एक साल वेट करते हैं इन लोग इस पूजा के लिए, इस स्पेशल पूजा के लिए। तो अभी इन लोग घर जा रहे हैं, ये पूजा खत्म हुआ है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। तो हैप्पी छठ पूजा भाई। सो आई कैन से मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, इन लोग ही बोलने वाले हैं। बोलो क्या बोलना है। अभी हम जा रहे हैं। थैंक यू सो मच भाई।
एकदम लॉस हो गया अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं आपके घर में ठेकुआ है मतलब आप सेंड कर दीजिए हमें हम लोगों को ठेकुआ ठेकुआ भेज दीजिए हम लोगों को मस्त लड़की जा रही है ये लड़की है बहुत हरामी हो बेटे तो हैप्पी छठ पूजा यहाँ पे एडीबी गए उसके साथ साथ है अभिजीत दा तो कैसा क्या छठ पूजा हैप्पी छठ पूजा और यहाँ पे भाई शूट भी कर रहे हैं मैंने ब्लॉग नहीं किया छोटा सा मतलब एक स्टोरी जैसा क्रिएट करने का ट्राई कर रहा हूँ पूरा पूजा के ऊपर छठ पूजा के ऊपर वॉइस ओवर करूंगा थोड़ा सा अच्छा अच्छा आप लोग देखिएगा उस वीडियो को शेयर कीजिएगा भाई को भी देखिएगा फर्स्ट भाई को देखिएगा उसके बाद हमको चेक करिएगा ठीक है ठीक है थैंक यू थैंक यू तुम्हारा तो हो गया पूरा शूट शूट हो गया लगभग थोड़ा लेट हुआ आने में तो लगभग हो गया तो 4 बजे ऐसे वैसे कर लिया लेकिन अभी जाके मिलाना पड़ेगा उसके बाद सब लोग सपोर्ट कीजिए वीडियो को अपना मर्जी से मर्जी शेयर कीजिए थैंक यू सो मच जिस कटोरियों में इन लोगों ने पूजा चढ़ाए थे उस कटोरियों को लेके इन लोग अभी चल पड़े हैं घर की ओर क्योंकि घाट के जो पूजा थे वो ख़त्म हो चुके हैं। काफ़ी अच्छे से इस बार भी पूजा हुआ है जो कि मुझे भी देख के बहुत अच्छा लगता है और आके बहुत अच्छा लगता है तो सभी लोग यहाँ पे जा रहे हैं अभी घर यहाँ पे डाली लेके जो लोग सजा के डाली लेके आए थे पूजा अर्चना करने के लिए पूजा के लिए छठ पूजा के लिए उन लोग अभी घर जा रहे हैं सामने है वहाँ पे है उन लोग जा रहे हैं और उसके सभी जा रहे हैं देखते हैं चलते चलते और वीडियो लगभग यहाँ तक ही था कैसा हुआ पता नहीं इस बार लेट हो गया मुझे सुबह सुबह आने में और यहाँ पे विशाल भी है तो विशाल सब्सक्राइब कर दीजिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और उसके साथ साथ और क्या है शेयर भी कीजिए और एंजॉय कीजिए एंजॉय कीजिए। वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म नहीं हुआ है और थोड़ा है अभी मैं हूँ मेरे दोस्त कार्तिक के घर में यहाँ पे मैं छठ पूजा के महाप्रसाद ले रहा और ये है मेन प्रसाद जो कि है ठेकुआ अभी मैं आया था कार्तिक भाई के घर में मतलब ये वीडियो यहाँ पे लगभग ख़त्म होने वाला है यहाँ पे तो हैप्पी छठ पूजा भाई और इस साल का छठ पूजा कैसा गया इस साल का छठ पूजा बहुत ही अच्छा गया अच्छा उसके साथ साथ अभी सब इंजॉय हो गया एंजॉयमेंट कभी तो लगभग खत्म हुआ ठीक है थैंक यू भाई हैप्पी 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 छठ पूजा छठ पूजा हैप्पी फाइन फाइन लगेगा तुम लोगों का फाइन लगेगा हेलमेट है भाई हेलमेट है हेलमेट एक हेलमेट से कैसे होगा तीन लोगों का सब है सब है चो उधर देखो ओ तो फाइन लगे तो को लगेगा से ऑलरेडी और भाई कार्तिक भाई के घर में प्रसाद खा के तुमको कैसा लगा बहुत अच्छा लगा मजा आया हाँ हाँ कार्तिक भाई के घर में बोजो के साइकिल में बोजो का इस बार रासमेला में मोतकुआ में जाने वाला है माहौल थोड़ा गर्म हो चुका है माहौल को ठंडा करते हैं हम फिल्म की शूटिंग चल रही है क्या